हेलो गाइस, मैं उमर शागर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ऑसम ट्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हीट प्रेस कॉम्बोज में आप लोग कैप एक्सटेंशन को किस तरीके से ऐड करते हैं कर सकते हैं। टी शर्ट हीट प्रेस को हम लोग कैप हीट प्रेस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं आपको पूरा सीन्स दिखाता हूँ और मैं आपको अपनी मशीनरी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। 5-in-1 कॉम्बो हीट प्रेस हमारा है, इसमें अभी टी शर्ट एक्सटेंशन लगा हुआ है, इसमें हम लोग कैप एक्सटेंशन को लगाने वाले हैं। बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये आपको मेरी मशीनरी दिख रही होगी, 5-in-1 हीट प्रेस कॉम्बो है ये। तो इसमें आपको सबसे पहला काम करना है, इस जो ये पार्ट है, इस पार्ट्स को रुकिए मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। इस पार्ट को आपको, ये जो पार्ट है डिटैचेबल होता है, तो इस पार्ट को आपको अलग करना है। इस पार्ट को इस पार्ट को अलग करने के लिए आपको दो स्क्रू खोलने होंगे, जो कि इधर पे आपको इधर से दिख रहे होंगे। ये है एक स्क्रू, ये देखिए इधर से ये दिख रहा है एक, और एक ये इधर से दिख रहा है। तो आपके ये इधर ही से खुल जाएंगे। जैसे इसको खोलने के बाद हम लोगों को ये जो मैट्स होती हैं इसके नीचे चलना है, और जो ये 1, 2, 3, 4 स्क्रू जो होते हैं ये, तो इन चारों स्क्रूओं को हमको खोलना है। ओके, जैसा कि देखिए मैंने अभी ऊपर का पार्ट खोल लिया है, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। जो ये चार स्क्रू हैं, ये चार आपको अभी बिल्कुल भी नहीं खोलने हैं। गौर से सुनिए, बिल्कुल भी नहीं खोलने, क्योंकि अगर आप ये चारों स्क्रू खोल देते हैं तो इसका मैं बैक साइड दिखाता हूँ, वो खुल जाता है। जो आपका इसमें ये बैक साइड होता है ये आपका खुल जाता है। जैसा कि आपको इसमें हल्का हल्का दिख रहा होगा कि चार स्क्रू के निशान जैसा कुछ बन रहा है। ये मेरी टेफ्लॉन शीट बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैक्सिमम टू मेरे पार्ट्स है, इसके अंदर का कुछ फिटिंग रहता है, तो वो उसको हमको छेड़ाखानी बिल्कुल नहीं करनी। आपको जो मैंने दो स्क्रू बताए हैं वही बस खोलने हैं। ओके, ये दो स्क्रू बस आपको खोलने, ये ऐसे सीधा है, ये दो स्क्रू बस आपको खोलने हैं और कोई स्क्रू नहीं खोलना। इसके स्क्रू को संभाल के रख लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। अब बारी आती है हमारे इस 4 स्क्रू की, इन स्क्रूज को भी हम खोलेंगे ये इसी स्क्रू ड्राइवर से, जो कि आपको इसमें दिखा रहा होगा कौन सा मैंने लगाए हुए हैं। और हमारे ये खुलने के बाद कुछ ये हमने खोल लिए हैं, ये चारों स्क्रू, अब कुछ ऐसा दिख रहा है। ये मशीन आपने देखी थी, मशीन इधर पे खुल चुकी है। मैं आपको पूरा दूर से व्यू दिखा देता हूँ किस तरीके की ये आपकी मशीन इस तरीके की कुछ लग रही है। मैंने इधर पे स्क्रू रखे हुए हैं, इधर पे मैंने स्क्रू रखे हुए हैं जिससे मैं कन्फ्यूजन हूँ। और अब आपको हीट एक्सटेंशन को करने के लिए आपको ये जो ये इसमें लगे हुए हैं ये आपको खोल लेना। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप खोल लें इनको, तो ज़्यादा सही रहेगा। इधर पे आपका जो कैप का एक्सटेंशन होता नीचे का, तो ये मैं आपको कैप का एक्सटेंशन दिखाता हूँ। ये आपके कैप के एक्सटेंशन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला जो कि नीचे होता है, जो कि आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, ये नीचे होता है, और ये आपका ऊपर को तरफ फिट होगा, ये ऐसा कुछ प्रिंट होगा, ऐसा कुछ आपका ये प्रिंट होगा। ये नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है प्रिंटिंग करते समय। अब जो नीचे का पार्ट है इसको हम नीचे फिट करेंगे, सबसे पहले आपको इन दोनों को खोल लेना है। तो ये फ्रंट व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। अब इन दोनों में जो ये हैं इनको आपको खोल लेना है, ये दोनों आपको खोल लेना है। ये आपका नट निकलेगा, ये नट, जैसे कि मेरे पास ये एक्सटेंशन है, ये ऊपर वाला पार्ट है जिसमें वायर है, ये नीचे का पार्ट है,
तो इसमें नीचे का पार्ट हम लोग फिट कर रहे हैं, जैसे इसमें आप देख लिए, इसमें ये देखिए इधर पे फिट कर दिया। आप फिट करने के बाद जैसे इसमें हमको जो ये पहिए टाइप के लगे हैं ये आप मेरे हिसाब से कस दीजिए, नहीं दिख रहा है ये फोकस हो जाओ, ये आप थोड़ा इसको इधर पे टाइट कर लीजिएगा ये इस तरीके का, और इसी तरीके से आप लोग को इस साइड टाइट करना होगा। ये कुछ इशू हो गया है कहीं पे, मेरा वो फिक्स नहीं बैठ रहा। हो गया, जैसे इसको मैं कस रहा हूँ ये मैंने कस दिया, चेक कर लीजिए हिल तो नहीं रहा, जैसा कि ये आप देख रहे हैं ये मेरा हिल रहा है, तो मैं इसको और ज़्यादा टाइट कर दूँगा दोनों तरफ से, क्योंकि अगर हिलेगा तो फिर प्रिंट सही नहीं होगा, प्रिंट में कोई इशू आ जाएगा। जैसे अब नहीं हिल रहा है, ये देखिए अब नहीं हिल रहा है, पहले हिल रहा था, तो ये आपका हो गया। ये हिलना नहीं चाहिए क्योंकि प्रिंट बिगड़ने के चांस हो सकते हैं। फिर इसको मैं सबसे पहले साफ कर लेता हूँ। अब आपको ये जो आपकी ये मशीनरी है जहाँ से हमने वो दो नट निकाले थे, ये वाले आपको इसमें भी वैसे ही कुछ दो नट दिखेंगे ये हैं, तो आपको उसमें कस देना है, इसको आप इसमें कस दीजिए तो आपका ये सेटअप बन जाएगा, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक ये प्रो टिप मैं देना चाहूँगा आपको, जो आप इसमें सेटअप करेंगे तो आपको ये जैसे कि इसमें दिख रहा है बिल्कुल ये पीछे ले जाना है, मतलब जैसे इधर पे आप दिख रहे हैं इधर पे स्पेस है, तो इसमें आपको सबसे पीछे ले जाना है एक बार दोनों साइड में, क्योंकि आप जितना अगर पूरा पीछे नहीं लेके जाएंगे तो आपकी प्रिंटिंग में फिर इशू आएगा। तो बस ये मैंने फिक्स कर दी, अब इसकी मैं नट टाइट करता हूँ। जैसे ये देखिए अभी ये भी हिल रहा है, तो आपको इसका हिलना बंद करना होगा, जो कि आप नट टाइट कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा पूरा, ये मैंने अंदर से टाइट कर दिया। ये मैंने पीछे तरफ करके अंदर से टाइट कर दिया, अब देखिए ये मेरा बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ये इसको मैं देख लूंगा, जो मेरा ढीला टाइट होगा वो मैं इधर से कर लूंगा। ये जैसे मैं आपको अपर साइड से दिखाता हूँ, अब इसके बाद जो ये जैसे इधर पे मेरे देखिए इधर पे मेरा ये ढीला बैठ रहा है, इधर पे ये ढीला बैठ रहा है, अगर आप देख पाए कैमरे में तो इधर पे ये स्पेस आ रहा है, मतलब उस स्पेस को ख़त्म करना है, तो हम इससे टाइट करेंगे, उसे टाइट कर देंगे, इससे हम लोग टाइट कर देंगे उसे, तो टाइट करेंगे तो उसके बाद काफ़ी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ये इसको आपको एडजस्ट करना होगा अपने हिसाब से, प्रेशर कितना आ रहा है उसके हिसाब से। ये मैं लो एंगल दिखा देता हूँ, बस ये आपका कैप एक्सटेंशन इसमें फिट हो चुका है, ये आपका कैप एक्सटेंशन इसमें फिट हो गया है, बस आपको और कुछ नहीं करना। अगर आपको कोई भी कस्टमाइज प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स या कोई भी मशीनरी या रॉ मटेरियल वगैरह कोई भी परचेज करना है तो आप हम लोगों को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग को इसको वापस कैसे लगाना है, प्रोसेस वही सेम है लेकिन थोड़ा सा हैक्स हैं जो कि अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी प्रिंटिंग में दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए अगली वीडियो को भी जरूर